सतलुज दरिया के उपर जिस वे तस्वीर तुम दिखाई जाएगियाँ जिथे कि पानी का जोड़ा पद्धर है काफ़ी जोड़ा लगातार बढ़ता जा रहा। हालांकि मौसम विभाग के वलों हाई अलर्ट जारी किया गया से कि 72 घंटे जी लगातार जी बरसात होगी, तो इस ही लगातार हूँ जी बरसात है सवेर तो ही हो रही है। पानी का जोड़ा पद्धर है दिखाते चलते हैं, तस्वीर थानू जरूर दिखावे सतलुज के फिलौर के उपर सतलुज दरिया के उपर जिस जो पद्धर है लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि दस दे चलते हैं कि 38,000 क्यूसिक पानी जोड़ा रोपड़ तो छड़ दिता गया है। सो जो 12 घंटे के जोड़ा पानी है वह फलौर दरिया के पहुँच जाएगा। इस जोड़े बन ने इतने काफ़ी जोड़े कच्चे ने, तुम बन भी जिते बहुत ही कच्चा है, तो वह बन जो टुटन के आसार भी ने। हालांकि जो प्रशासन के वलों जी है पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, उन्होंने कहना है कि किसी को भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। हालांकि तुम तस्वीर अं दिखा रहे हैं सतलुज दरिया दियाँ जिथे पानी का पद्धर जोड़ा लगातार ही बढ़ता जा रहा है। अपने कैमरामैन को कहेंगे एक बार जोड़ा थोड़ा जा नीचे आने की कोशिश की जाए, तो इस जोड़ा ये पानी दिखाया जाए, तो देख सकते हो कि पानी जोड़ा इस बन तो भी उपर आता जा रहा है। सो इस जे आले दुआले के लोगों आ चेतावनी जी जारी कर दी गई है कि उन्होंने यही कहना है कि प्रशासन ने यही गल कह दी कि जोड़े लोग ने अपने घर का जोड़ा समान है वो बन लैन, हो सकता है कि उन्होंने अपना घर भी जोड़ा छड़ना पै सकता है क्योंकि जोड़ा पानी है वह लगातार जोड़ा बढ़ता ही जा रहा है। दरिया का लैवल वधन के कारण जोड़ा है वो लोगों ने अपने घर छड़ने पै सकते हैं। उन्होंने अपने लोगों को यह गल कही है कि अपने जानवरों का जोड़ा प्रबंध किया जाए क्योंकि पिंड घर जोड़े पशु होंगे ने, सो उन्हों का भी प्रबंध करने के लिए प्रशासन ने एक गल आख दी है। हालांकि जेकर गल की जाए आले दुआले के खेतों की, सो इतने जोड़े खेत ने झोना जोड़ा है वह काफ़ी डुब चुका है, तो इस जी हूँ तुम लाइव तस्वीर देख रहे हो डेली पोस्ट पंजाबी के उपर सतलुज दरिया दियाँ। सो इस ही जेकर गल की जाए सतलुज दरिया की, तो ये तस्वीर तुम लाइव देख रहे हो जी डेली पोस्ट पंजाबी के उपर सतलुज दरिया दियाँ। हालांकि बरसात बहुत हो रही है, इस बरसात के कारण जोड़ा पानी का पद्धर लगातार बढ़ता जा रहा। भाखड़ा डैम तो जोड़ा आ पानी छड़ दिता गया, इस पानी छड़न के नाल जोड़ा है सतलुज दरिया का जोड़ा पद्धर है वह लगातार बढ़ता ही जा रहा। तुम लाइव तस्वीर देख रहे हो डेली पोस्ट पंजाबी ते सतलुज दरिया दियाँ, तो इस ही किसान जोड़े काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। उन्होंने गल कहना है कि उन्होंने यही कहना है कि जोड़े जेकर बरसात इस तरह होंगी रही तो जोड़ा झोने की फसल में काफ़ी जो नुकसान पहुँच सकता। हालांकि कई जोड़े किसान ने इसे करके परेशान नज़र आ रहे हैं। उन्होंने ये गल कहना है कि असी पानी हाले लगाया सी पर इस तरह की बरसात ने जोड़ा पानी का काफ़ी नुकसान कर दिता है। हालांकि डेली पोस्ट पंजाबी ते तुसीं तस्वीर जिहड़ियां देख रहे हो सतलुज दरिया दियां जिहड़ा लैवल है काफ़ी वधदा जा रहा, आले जिहड़े बन्न ने उह बन्नां दे उपर जिहड़ा पानी आ रहा है, सो ये जिहड़े बन्न टुटण दे भी काफ़ी आसार ने। सो हाले प्रशासन का तो यही कहना है कि जिहड़े पुख्ता प्रबंध किए गए हैं जेकर कोई भी बन टुटदा है तो उसके लिए पुख्ता प्रबंध ने, हालांकि पूरियां बोरियां जिहड़ियां मिट्टी दियां लिया के रख दी गई ने, पर इस वेले जिथे असीं पहुंचे हाँ सो बारिश पैण के कारण थोड़ा मुश्किल है अगे जाना, उस करके असीं तुहानूं तस्वीरां तां नहीं दिखा रहे, पर इसलिए जिथे असीं खड़े होए हाँ ये सतलुज दरिया के फलौर के सतलुज दरिया से जिथे पानी जिहड़ा वधन दे सारे मैं तुहानूं दसदी चलदी कि जिस असीं गलबात करके आए उन्होंने नाल, उन्होंने गल कहना कि इतने 776 के उपर जेकर पानी आउंदा है तो यह जरा काफ़ी नुकसानदेह है, इतने जरा पानी जरा नुकसान कर सकता है। सो बिल्कुल जी इस लाइव तस्वीर देख रहे हो डेली पोस्ट पंजाबी ते सतलुज दरिया दियाँ, बारिश बहुत हो रही है इस बरसात के कारण। हाले इतने नज़दीक कोई भी अधिकारी तो नहीं है, पर जेकर कोशिश जरूर करांगे इतने गलबात करन दी भी कि कोई किसान जड़े ने इतने परेशान नज़र आ रहे हैं उन्होंने गलबात करांगे। हालांकि मोटर जड़िया ने बंद कर दी गई ने, सो इतने किसान भी मौजूद ने, इतने एक वीर जी पहुँचे हुए ने, आप गलबात उन्होंने नाल करन दी जड़ी कोशिश जरूर करांगे। अपने कैमरामैन को कहांगे एक बार तुम जी तस्वीर ने सतलुज दरिया दियाँ वो जरूर जड़े दिखाते चलो।
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਝਲਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ